आज मैं रेस्टोरेंट जैसा मैं भिंडी बनाऊंगी, खूब मसालेदार बढ़िया। ये देखिए मैंने भिंडी को आगे पीछे कट करके और बीच से सारी को कट कर लिया। एक प्याज एक टमाटर को मैंने छोटा छोटा पीस में कट कर ली। अदरक और मिर्च का ये पेस्ट थोड़ा सा बना ली। अब इस मसाला में मैंने हल्दी डाल दी, धनिया एक चम्मच और थोड़ा सा जीरा और लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च मैंने दो पीस ही डाली थी, तो थोड़ा सा लाल मिर्च देकर इसको पेस्ट बना लूंगी। और ये तीन चम्मच मैंने बेसन लिया है, अभी भून लेती हूँ इसे। और बहुत स्वादिष्ट और बढ़िया ये भिंडी की सब्जी लगती है। ये कढ़ाई चढ़ा दी मैंने, आज गैस को चालू कर लिया। अब हम बेसन को भून लेते हैं। इसको मीडियम आंच में, एकदम धीमी धीमी आंच में इसको भून लेना है। ये देखिए इसकी खुशबू आने लगी, कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसे गैस को मैं बंद कर देती हूँ। अब हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। एक बड़ा चम्मच से तेल डाल देती हूँ और भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। तेल को गर्म होने देते हैं। अब मेरा तेल गर्म हो गया है और भिंडी को डाल देती हूँ। इसको मीडियम आंच में अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ कि सारी भिंडी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मेरी भिंडी फ्राई अच्छी से हो गई है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। मैं तेल अब नहीं डालूंगी। देखिए इतना तेल में मेरा सब्जी तैयार हो जाएगा। अब इसको फौरन के लिए मैं जीरा और राई इसको चटकने देते हैं। देखिए चटक गए हैं। अब थोड़ा सा हींग, हींग भी मेरा भून गई जाएगी इसी के साथ। अब हम इसमें प्याज को अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए अब मेरा प्याज का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। इसको मीडियम आंच में भूनना है। अब इसमें मैं टमाटर का डाल देती हूँ। और मैं थोड़ी और नमक दे दूंगी, क्योंकि नमक पहले भी मैंने दे चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा नमक और दे देती हूँ। नमक अपने हिसाब से दीजिए, सब्जी के अनुसार ही नमक दीजिए तो अच्छा है। अब थोड़ा सा कड़ी पत्ता ताजा, मैं अपने गार्डन से ही तोड़ के लाई हूँ, गमला में मैं लगाई हूँ। बहुत खुशबूदार है, देखिए ऐसी पत्तियाँ हैं। ये टमाटर का कलर भी अच्छा चेंज हो गया है। अब इसमें मैं मसाला जो डाले थे सारा मसाला मैं डाल दी। इसमें मैंने पहले से ही पानी डाल दी हूँ और थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैं थोड़ी सी पानी डालूंगी क्योंकि ये मसाला मीडियम आंच में अच्छे से भूनते रहे। उसके बाद मैं भुनने के बाद थोड़ा बेसन भुना हुआ डालूंगी।
सब्जी मेरा कम है इसलिए मसाला भी कम है और बेसन भी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, एक चम्मच दो चम्मच छोटा चम्मच से, क्योंकि ज़्यादा बेसन भी अच्छा नहीं लगेगा। बेसन डालने से सब्जी में स्वाद बहुत अच्छी आ जाती है। ये मसाला देखिए मेरी भून गई अच्छी से, अब इसमें मैं पानी डालूंगी क्योंकि मुझे सब्जी सूखा बनाना है। आपको जितना भी इसमें रस लगाना है, झोल बनाना, जैसा भी आपका इच्छा हो वैसे बनाइए, हमको सूखा बनाना है इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। ये चपाती के साथ बहुत अच्छे, इसे मैं ढक देती हूँ, थोड़ा और मसाला पक जाए तब हम भिंडी डालेंगे। देख लेते हैं सब्जी, ये देखिए कितना अच्छा सब्जी तैयार हो गया है, ऐसे पता चल रहा है। अब इसे हम गैस को बंद कर देती हूँ और धनिया पत्ता ऊपर से डाल देते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला अब ऊपर से मैं दूंगी और धनिया पत्ता जब उतार लेंगे तब देंगे। देखिए मैंने भिंडी को अच्छे सूखा सब्जी बनाया, और एक बार आप ज़रूर बनाइए और खाइए और कमेंट्स करिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।